Today I show you what is the Sheetal Shashti. This is the festival to represent our Hindu culture. I like cultural vlog, that is the reason. Minimum time I make this type vlogs because I like this. एक ऐसा फेस्टिवल जो लोगों को एक साथ लाता है. Why? जानते हैं शीतल षष्ठी के बारे में. Let's start the vlog. Okay guys, I think you know what is the meaning of Sheetal Shashti. Sheetal Shashti is dedicated our Hindu culture. हर वो व्यक्ति जो हिंदू है उसे पता होगा कि शीतल षष्ठी क्या महत्व रखता है अपने कल्चर के लिए. किसी भी कल्चर का कोई भी फेस्टिवल हो, जब हम उस फेस्टिवल में शामिल होते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं अंदर से. दैट्स मीन्स श्रद्धा है हमारे अंदर. मैं आपको बताने वाला हूँ आज की अपने उड़ीसा में किस तरीका से शीतल षष्ठी मनाया जाता है. एवरीबडी नो समलपुर में कितना धूमधाम तरीका से होता है, कितना अच्छा तरीका से होता है शीतल षष्ठी. बट मैं बात करने वाला हूँ आज बजाज नगर के बारे में. इन दिनों मैं देख रहा हूँ बजाज नगर में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं जो पहले उतना लार्ज तरीके से नहीं मनाया जाता था, जो अब मनाया जा रहा है, इंक्लूडिंग शीतल षष्ठी. और इस बार मैं देखा शीतल षष्ठी में काफी ज्यादा अच्छा तरीके से मनाया गया. सो देन आई फील कि ये भी कैप्चर करना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए. मैं बजाज नगर की कुछ खास चीजों के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहता हूँ और इसे शूट करना बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए. और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन सब चीज़ों को आपके पास शो करना और दिखाना और कुछ जानकारी देना, ताकि आप लोग भी इसे समझ सकें और इसे पॉजिटिव वे में इंजॉय कर सकें. ज़्यादातर मैं उस जगह मौजूद नहीं था, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स मौजूद थे वहाँ पे. देन दे आर शूट एवरीथिंग एंड सेंड मी सम डाटा फॉर मेकिंग ए व्लॉग. ओके गाइस, तो मेरे पास ज़्यादा डाटा नहीं था इसीलिए मैं इसके पास आया था डाटा लेने के लिए. तो अभी ट्रांसफर हो रहा है पेन ड्राइव में, हो जाएगा तो ब्लॉग बन जाएगा. मतलब आप हम देख रहे हो तो मतलब हो चुका है बस. कुछ कुछ पार्ट्स शूट किया मैं भी जब मैं वहाँ पे था. हर इंसान अपने तरीके से अपने धर्म को दिखाता है, अब फील करता है. हर इंसान का सोच अलग अलग होता है बट कल्चर तो सेम ही होता है. और वहाँ पे सारे लोग नाचते हुए जा रहे हैं एक नॉर्मल बारात के जैसे, जहाँ पे डीजे है, लोग नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है. वहाँ पे अगर आप हो उस जगह में तो एक अलग से वाइब्स आता है वहाँ पे. वी आर वेरी लकी कि हम शिव जी के बारात में शामिल हुए हैं और इसे एक भक्ति भावना से रिप्रेजेंट हम सबको कर रहे हैं. You see, this festival was so colorful. I think होली में सिर्फ कलर्स होते हैं बट इस फेस्टिवल में कलर के साथ साथ फीलिंग्स भी होते हैं. फीलिंग्स इट्स इनविजिबल कलर, जिसे आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है और जिनके अंदर भक्ति है उन्हें ये दिखेगा. यूनिक कॉन्सेप्ट है ये वाला कि इस तरीके से भी पूजा होता है. आई थिंक दिस टाइप फेस्टिवल रिप्रेजेंट टू आर हिंदू कल्चर फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर ऑल वर्ल्ड कि हमारे कल्चर में इस तरीके से एक फेस्टिवल है. खैर अभी तो एक अनजाना नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है. लंदन, न्यूयॉर्क, हर जगह में शीतल षष्ठी का प्रोग्राम होता ही है, तो हर किसी को पता है और ये पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. बस इसी में एक छोटा कदम मैं भी उठा रहा हूँ अपने ब्लॉग के जरिए आप लोगों को बता के, जो लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो कुछ देख लो. खास तौर से अपने बजाज नगर में ऐसे होता है वो भी जान लो, क्योंकि मैं बजाज नगर का हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं सबके सामने बजाज नगर का असली रूप लेके आऊँ. क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि न्यूज़ में बजाज नगर के बारे में बहुत सारे ऐसे खराब बातें हैं, डरते हैं बजाज नगर आने से. मैं अपने ब्लॉग में बजाज नगर का एक ऐसा चेहरा दिखाता हूँ जो आप लोग यहाँ पर रह के भी नहीं जानते होंगे. इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करो ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ और इस तरीके का कंटेंट आते रहे. तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय.